आम जनता को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना समय की मांग। पर्यावरण के संबंध में आरोग्य भारती की दो दिवसीय बैठक संपन्न। पंचकुला 18 जुलाई 2022 आरोग्य भारती की हरियाणा के शहर पंचकुला में चल रही अखिल भारतीय पर्यावरण योजनात्मक कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन भारत सहित पूरे विश्व में पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में तय किया गया कि पूरे देश में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना समय की मांग है। बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए आदिवासी समुदाय से सीख लेने की बात पर भी बल दिया गया। कार्यशाला में विस्तार से बताया गया कि किस तरह से भारत के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी समुदाय ने पर्यावरण को बचाने और जल का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो जो प्रयास किए हैं वो किस तरह पूरे क्षेत्र का हाल बदलने में कारगर साबित हुए हैं। बैठक में शामिल आरोग्य भारती के संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वाजने ने बताया कि प्रकृति के नकारात्मक उपयोग से जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पूरा पड़ रहा है। झारखंड से आए प्राण संरक्षक प्रवीण प्रभाकर ने कहा है कि वन क्षेत्रों में उद्योगीकरण और पर्यटन के नाम पर बढ़ती इंसानी दखलंदाजी विनाश का कारण बन रही है। बैठक में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बीएन सिंह, आरएसएस के पर्यावरण गतिविधियों के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल आर्य, संस्था के हरियाणा प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। बैठक के दौरान रोटरी क्लब पंचकुला द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों से आए डेलीगेट्स को गौ के गोबर से बने गमले भेंट किए गए। गमलों की ये खासियत है कि इसमें लगे पौधों को खाद देने की जरूरत नहीं। इस मौके पर रोटरी क्लब की तरफ से अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, सचिव मनमोहन सेठी और पूर्व अध्यक्ष प्रवीण गोयल उपस्थित थे। खबर सबकी सीधे आप तक।